Hello, English learners. Welcome to Learn with QB. Today we are going to talk about future indefinite tense. It is used to talk about actions or events that haven't happened yet, but will happen in the future. Mean अभी वो हुए नहीं है, ठीक है? ऐसे actions या ऐसे events जो अभी नहीं हुए, मगर वो क्या होंगे? वो मुस्तकबिल में होंगे, future में होंगे. इसे हम क्या कहते हैं? Future indefinite tense बोलते हैं. For example, I will call you later. He will meet his friend tomorrow. We will travel tomorrow. Let's discuss its sentence structure. सबसे पहले आएगा subject plus will plus first form of verb plus object या rest of sentence. ठीक है? For example, I will bake a cake tomorrow. अब यहाँ पे I क्या है? I है subject. आगे आ गया will. ठीक है? यह helping verb है. अब will के बाद हमेशा first form of verb आएगी. ठीक है? I will bake a cake. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? केक है. Tomorrow. Got it ना? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारा ये जो एक्शन है ये प्लान्ड हो, ठीक है ना, हमने प्लान किया हुआ हो, तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इज गोइंग टू या आर गोइंग टू. ठीक है, अब ये एम गोइंग टू भी यूज हो सकता है. ठीक है, और अगर अनप्लान्ड है तो तब हम विल यूज करेंगे. अब जिस तरह से है, वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी टुनाइट. ठीक है, और क्या हो सकता है? ही इज गोइंग टू द ग्रॉसरी स्टोर. ये प्लान्ड एक्शंस हैं. अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. सबसे पहले क्या होगा, हम देखेंगे कि विल होगा वहाँ पे सेंटेंस में ना, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और हम देखेंगे उसके कंटेक्स्ट को, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर की बात की हुई होगी ना. एक्शन एक ऐसा होगा कि वो फ्यूचर शो करेगा बट उसका स्पेसिफिक टाइम शो नहीं करेगा. ठीक है ना. अच्छा, अब उर्दू या हिंदी में तो इसकी पहचान होगी, गा है, गी है, गे है. ठीक हो गया. अब इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स भी हैं जिसकी मदद से भी हम उसको पहचान सकते हैं. एक होगा टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, सून, लेटर, इन द फ्यूचर, समडे, इन फ्यू डेज, इन फ्यू वीक्स, इन फ्यू मंथ्स. ठीक है, तो ये सारे सिग्नल वर्ड्स हैं जिसकी मदद से हम पहचान सकेंगे कि ये फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है. अच्छा, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. आई विल ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट समर. अब ये देखिए, नेक्स्ट समर आया हुआ है ना, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को. एक और सेंटेंस देखें, दे विल मीट देयर फ्रेंड्स एट द पार्क टुमारो. अब टुमारो आया हुआ है, ये भी इंडिकेट कर रहा है. अच्छा, एक और सेंटेंस देखें, शी विल स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ भी सिग्नल वर्ड है. ठीक है ना. नेक्स्ट देखें, वी विल हैव अ पार्टी ऑन फ्राइडे. अब नेक्स्ट देखें, ही विल लर्न हाउ टू प्ले द गिटार. ये सारे ना, ही विल लर्न, ये अभी उसे तरीका नहीं आता कि गिटार कैसे बजाना है. ठीक है, ही विल लर्न, वो सीखेगा, मुस्तकबिल की बात हो रही है. अच्छा, हाउ टू मेक इट्स नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. अब हमने क्या करना है, जब हमने नेगेटिव बनाना है ना, तो ये जो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस ये जो विल है ना, विल के आगे हम नॉट लगा देंगे. ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल सा है ना. जो भी अब सेंटेंसेस हैं हम उनके आगे नॉट लगा देंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये नेगेटिव बन जाएंगे. अब जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, आई विल ट्रैवल टू जापान नेक्स्ट समर, अब यहाँ पे इसके आगे नेगेटिव लगा दें, आई विल नॉट ट्रैवल टू जापान नेक्स्ट समर. अच्छा, पता है, अगर इनफॉर्मल सिचुएशन हो ना, जिस तरह से हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, तो हम इसका कंट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. विल नॉट को हम वोंट यूज़ कर सकते हैं, आई वोंट डू दैट. ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई वॉन्ट डू दिस, आई वॉन्ट गो देयर. इस तरह से हम कंट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर्मल सिचुएशन में इतना यूज़ नहीं होती. अच्छा, पहले हम लोग जब पढ़ते होते थे तो विल और शैल का इस्तेमाल होता था. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शैल का क्यों नहीं बताया, क्योंकि आजकल के दौर में मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत कम हो चुका है. ठीक है, इसलिए ज़्यादातर शैल आई और वी के साथ, पहले हम लोग शैल यूज़ किया करते थे, बट आजकल आई और वी के साथ भी विल यूज़ हो रहा है. अच्छा, जब इंट्रोगेटिव बनाना हो ना, तो ये जो विल है इसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे. सो सिंपल. ठीक है ना. अब जिस तरह से मैंने कहा था, आई विल गो टू जापान नेक्स्ट समर. ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, विल आई गो टू जापान नेक्स्ट समर. विल शी कम्प्लीट हर असाइनमेंट ऑन टाइम. Will they attend the concert next week? Will the team win the championship? Quiz time! Question number 1 is, I dash go to the party tonight because I have an early morning flight.
ऑप्शन ए इज विल नॉट, ऑप्शन बी इज नॉट, ऑप्शन सी इज विल, ऑप्शन डी इज डिड नॉट। अब आप गौर से देखें, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विल आएगा, आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट। नहीं, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वो रीजन बता रहे हैं ना कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा, आई विल नॉट गो टू द पार्टी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश द टीम विन द चैंपियनशिप दिस ईयर। अब यहाँ पे ऑप्शन ए इज डिड, ऑप्शन बी इज डू, ऑप्शन सी इज विल, ऑप्शन डी इज डज। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कौन सा सेंटेंस है, एंड में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, विल को स्टार्ट में लेके आना होता है, विल द टीम विन द चैंपियनशिप दिस ईयर, ठीक है। क्या टीम चैंपियनशिप जीतेगी, तो ये क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट इज डैश यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। अब इसके एंड में क्या है, ये क्वेश्चन मार्क आया हुआ, मीन ये सवाल या निशान है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ना इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए इज विल, ऑप्शन बी इज आर, ऑप्शन सी इज डेड, ऑप्शन डी इज हैव। अब आप बताएं कौन सा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है, तो यहाँ पे क्या लगता होता है, विल लगता होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ही डैश बाय दैट एक्सपेंसिव वॉच। ऑप्शन ए इज विल नॉट, ऑप्शन बी इज विल, ऑप्शन सी इज डिड नॉट। यहाँ पे विल नॉट आएगा। हमने विल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब वो इतनी महंगी, दैट एक्सपेंसिव वॉच, इतनी महंगी वॉच वो नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट इज डैश द मूवी रिलीज नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए इज डज, डिड, ऑप्शन सी इज विल, ऑप्शन डी इज इज। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये विल आएगा। नेक्स्ट इज द कंपनी डैश इट्स न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट सून। ऑप्शन ए इज लॉन्चिंग, ऑप्शन बी इज विल लॉन्च, ऑप्शन सी इज लॉन्च्ड, ऑप्शन डी इज लॉन्च। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब गौर से देखें, कोई सिग्नल वर्ड है जो हमें बताएगा, हाँ जी है, ये जो एंड में सून लगा हुआ है ये हमारे लिए सिग्नल वर्ड है कि यहाँ पे हमने विल यूज करना है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, द कंपनी विल लॉन्च। नेक्स्ट इज शी डैश हर रिसर्च पेपर बिफोर द डेडलाइन। ऑप्शन ए इज फिनिशेस, ऑप्शन बी इज फिनिश, ऑप्शन सी इज विल फिनिश। अब वो क्या है कि वो डेडलाइन से पहले अपना रिसर्च पेपर फिनिश मतलब कंप्लीट कर लेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, गी है ना, तो ये फ्यूचर है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे कि शी विल फिनिश आएगा।